Welcome you all. So today we are going to discuss about deterministic pushdown automata. So previous video में अपन ने देखा था pushdown automata क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, Chomsky normal form और उसको फिर Gribbage normal form में convert करके और Gribbage normal form को pushdown automata में कैसे convert करते हैं अपन ने देखा था। तो आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डिटर्मिस्टिक पुस्टर ऑटोमेटा क्या होता है और उसका एक एग्जांपल अपन देखेंगे। सो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, सो डिटर्मिस्टिक पुस्टर ऑटोमेटा इज सिंपली अ टपल ऑफ दिस फॉलोइंग सेवन वेरिएबल्स, जो कि अपन को पता है। फर्स्ट वेरिएबल रिप्रेजेंट द फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स, देन इनपुट अल्फाबेट्स और सिंबल, आफ्टर देन ट्रांजेक्शन फंक्शन, आफ्टर देन इनिशियल स्टेट, एंड आफ्टर देन बॉटम ऑफ द स्टेट्स और सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स एंड एट द एंड स्टेक अल्फाबेट्स। तो ये कुछ सेवन वेरिएबल्स होते हैं जो किसी डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा में होते हैं। लेकिन द डिफरेंस इज दैट डिटर्मिनिस्टिक के अंदर फॉर एवरी इनपुट दैट इज एग्जैक्टली स्पेसिफिकली वन आउटपुट और वन मोमेंट, दैट इज नोन एज अ डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज ईच फॉर ईच इनपुट देर इज अ डिटरमाइन एग्जैक्टली वन आउटपुट, इसलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर क्या होता है, एक इनपुट के लिए दो या दो से अधिक आउटपुट हो सकते हैं। दूसरी चीज जो डिटर्मिनिस्टिक होता है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन फंक्शन होता है वो क्या होती है, क्यू। क्यू उसका मतलब कोई स्टेट, उसके ऊपर जब भी कोई अल्फाबेट्स आता है, अल्फाबेट के अंदर नल वैल्यू भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है, और उसके साथ टॉप ऑफ द स्टैक टॉय के अंदर कोई वैल्यू पड़ी होती है। तो ये जो आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा एक दूसरी स्टेट में जाएगा और टॉय की या स्टेक की जो वैल्यू वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरी इसके साथ ही मैंने एक चीज़ लिखी है, ये तो डिटर्मिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा के अंदर ट्रांजेक्शन की वैल्यू थी। सिमिलरली अगर ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता तो सारी चीज़ें सेम होती है, बस ट्रांजेक्शन फंक्शन जो है उसके अंदर जब अपन किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इनपुट देते तो अपने पास आउटपुट जो आता है वो टू की पावर में पॉसिबल वेज हो सकते हैं, मतलब इतने मूवमेंट अपने पास पॉसिबल हो सकते थे। तो ये डिफरेंस है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुशडाउन ऑटोमेटा के अंदर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो डिटर्मिनिस्टिक क्या होती है, इट्स सिंपली अ टपल ऑफ सेवन वेरिएबल, जिसकी डेफिनेशन मैंने दे रखी है, और इसके अंदर ये ट्रांजेक्शन फंक्शंस होता है। ये अपन ने पिछले वीडियो में भी देखा था। नाउ अब अपन इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज सिंपली डिजाइन द पुशडाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट द एक्सप्रेशन ए एन बी एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब अपन को ऐसा कोई पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करना है जो कि एक ऐसी एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट करे जहाँ पर ए की पावर एन बी की पावर एन हो और एन क्या आपकी ए से एक या एक से ग्रेटर हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कौन से लैंग्वेज है, तो अगर अपन इसको देखें तो ये अपन छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसको देख के अपन को लगता है कि नंबर ऑफ एज आर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बीस का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे पाँच नंबर ऑफ ए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पाँच नंबर ऑफ बी आएंगे। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने के एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, आपके बी होंगे। ये तो पहली बात जो अपन ने ऑब्जर्व की। दूसरी बात, ये कौन से लैंग्वेज जनरेट करता है, वह लैंग्वेज जिसमें एक बार ए आने के बाद क्या आएगा, बी आएगा, और बी आने के बाद ए नहीं आएगा। इसका मतलब पहले ए आएंगे फिर उसके बाद बी आएंगे। अपन क्या कह सकते हैं, आफ्टर बी देयर इज अ नो ए एट ऑल। तो ये आपकी एक टाइप की आपकी ग्रामर थी या लैंग्वेज थी जिसके अंदर पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ए आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी। तो ऐसी लैंग्वेज अपन को जनरेट करनी है। तो उसको कैसे जनरेट करेंगे, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, स्टेट ट्रांजेक्शन फंक्शन और स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम। तो पहले स्टेट ट्रांजेक्शन फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कैसे वो समझ लें, वही जो क्यू मैंने लिखा था आपको ध्यान हो, तो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने लिखा था क्यू और मल्टीप्लाई था यहाँ पे, आप देख सकते हैं पॉज करके पिछले, और यहाँ पे मैंने लिखा था समेशन और इसके साथ मेरा यूनियन था। यूनियन के अंदर क्या था, एब्सोल्यूट नल वैल्यू भी थी और उसके साथ ही क्रॉस में मेरा क्या था, स्टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ये देखें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू नोट क्या है आपका, क्यू नोट आपकी कोई स्टेट है, देन ये क्या करके इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग आपकी क्या है, ए है, और यहाँ पे टॉय क्या है, टॉप ऑफ द स्टेक क्या पड़ा आपका, जेड नॉट। तो उससे इसके बाद अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा कोई स्टेट आएगी और साथ में ही आपके पास क्या आएगा,
टॉय आएगा, उसके ऊपर कोई स्टेट, टॉप ऑफ द स्टेट कोई दूसरी वैल्यू आपकी आएगी। तो ये फंक्शन मैंने पीछे लिखा था। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, जब अपना ए आया इनपुट, देखो इसी स्ट्रिंग को रीड करते हैं। सबसे पहले ए आया, अपन मान के चल रहे हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टॉप ऑफ द स्टेक या मेरा जो टॉय है उसके अंदर क्या डाल रखा है, मैंने जेड डाल रखा है। देखो ये मेरा स्टेट है, स्टेक है, स्टेक सिंपली स्टेक। तो स्टेक के अंदर सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है, जेड नॉट पढ़ा है। जेड नॉट क्या है, ये एम्प्टी सिंबल को रिप्रेजेंट करता है कि जब जेड नॉट आ जाता है इसका मतलब मेरा स्टेक अभी क्या है, खाली है। सिमिलरली जैसे इसको पढ़ेंगे कैसे, वही मैं आपको वापस बता रहा था, तो एक बार बता देता हूँ। ये है आपकी क्यू, किसी स्टेट पे अपन खड़े हैं, उस पर इनपुट ए आया और स्टेक के अंदर भी जेड नॉट पड़ा है। तो इससे के बाद अपन कहाँ चले जाएंगे, उसी स्टेट पे आए क्यू नॉट पे, और स्टेक के अंदर क्या आ गया आपका ए जेड नॉट। तो यहाँ देखो, अगर आप देखोगे इस डायग्राम के अंदर, तो आप देखें यहाँ पे ये जैसे ही अपना ए आया, तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पहला ए आया था, पहले ए को अपन इंसर्ट किया। अब पहला ए अपना यहाँ तो हो चुका है, एक बार एक ए हो चुका है, तो एक ए अपन ने स्टेक में पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस। फिर आपका एक और ए आया, अभी अपन क्यू नॉट पे हैं, फिर एक और ए आया और टॉप ऑफ द स्टेक पे क्या पड़ा, ए पड़ा है। टॉप ऑफ द स्टेक पे ए पड़ा है और एक और ए आया। तो देखो अपन को कुल मिला के करना है क्या है, कुल मिला के अपन को नंबर ऑफ एज पहले इनपुट कर रहे हैं, फिर जैसे नंबर ऑफ एज आ जाए, फिर जैसे कोई बी आए, अपन को पता है ए और बी एक जैसे हैं, तो अपन को स्टेक को वापस खाली कर देंगे ताकि अपन को पता चल जाए, काउंटिंग अपनी पूरी हो जाए। तो माना कि दो ए हैं, फिर अगर पहला बी आएगा तो अगर मैं स्टेक को खाली कर दूंगा तो एक ए रह जाएगा, फिर एक और ए बी आएगा और स्टेक को मैं खाली कर दूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा, ओनली वन, ओनली नल स्टेक। तो कुल मिला के जब भी आपका ए आए तो स्टेक में पुश करना है, और जब भी अपना बी आए तो स्टेक से ए को पॉप कर देना है। तो उससे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी अपनी क्या हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। इस एग्जांपल के लिए कॉन्सेप्ट था, हर एग्जाम के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, देखेंगे अपन इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आगे इसके वीडियो में और भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। अब टॉप ऑफ द स्टेक पे ए है, एक और ए आया, तो अपन क्या करेंगे, उस ए को इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के साथ ही देखो यहाँ पे एक और ए अपना आ चुका है, तो एक और ए आ गया। अब यहाँ पे अपने दो ए आ चुके हैं, जैसे एक और ए आएगा तो यहाँ पे अपना तीन ए हो जाएंगे। और एक कैसे होगा, इसी ट्रांजिशन फंक्शन से होगा, लूप चलेगा। लूप क्यों चलेगा, क्योंकि अपन टॉप ऑफ द स्टेक पे ए है, एक और ए आया तो क्यू नॉट पे ही रहेंगे और आपकी टॉप ऑफ द स्टेक पे एक और ए ऐड हो जाएगा। तो अपने अभी तक अपने यहाँ पे तीन ए आ चुके हैं, जैसे ही चौथा आएगा चौथा ए भी जुड़ जाएगा, पांचवा आएगा पांचवा ए भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ तक तो स्टेक अपन को इस स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन से, स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन से मिल गया है। नाउ जैसे बी आता है, तो देखो अभी बी अगर आता है, अभी अपन क्यू नॉट पे ही है, और बी आने के बाद आपकी जो स्टेट है यहाँ पे क्या पड़ा है आपका, कैपिटल ए। क्या पड़ा आपका, कैपिटल ए पड़ा है। तो जैसे कैपिटल ए पड़ा है तो कैपिटल ए को अपन नल से रिप्लेस कर देंगे और दूसरे स्टेट पे चले जाएंगे। जैसे मैं दूसरे स्टेट पे जाऊंगा तो कैपिटल ए जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, नल कर दिया। तो अभी स्टैक जो है, टॉप ऑफ द स्टैक जो है, ये वाला पोर्शन कोमा के बाद शो करता है टॉप ऑफ द स्टैक, और ये वाला शो करता है कौन सी स्टेट पे आप हैं। तो टॉप ऑफ द स्टैक को मैंने नल से रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ ए था वो क्या हो गया, मेरा नल हो गया। अभी एक ही बी आया है, जैसे एक और बी आएगा तो वही सेम चीज़, वो ए को अगर हटा देगा, क्योंकि पहले क्या पड़ा, ए पड़ा। एक और बी आया तो ऑलरेडी यहाँ पे ए पड़ा है, एक और बी आया तो ऑलरेडी ए पड़ा है तो हट जाएगा, एक और बी आया तो पहले ए पड़ा तो हट गया। टोटल कितने बी आ गए, पांच बी आ गए। देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, पहले एक बी आया तो आपका एक ए हटा, फिर एक और बी आया तो एक और ए हटा, एक और बी आया तो आपका एक और ए हट जाएगा, देन एक और बी आया एक और ए हट गया, एक और बी आया तो आपका एक और ए हट गया। तो टोटल जितने नंबर ऑफ ए अपन ने इनपुट किए थे उतने नंबर ऑफ बी आपके हट चुके हैं। नाउ एट द एंड अब अपन क्या है, अपना जो टॉय है, स्टैक है, वो भी उस पर क्या पड़ा है, जेड नॉट पड़ा है, और अपन क्या है अभी नल पे, नल मतलब कोई भी इनपुट स्ट्रिंग नहीं है, अपनी सारी स्ट्रिंग को अपन रीड कर चुके हैं। तो अपन कहाँ चले जाएंगे, फाइनल स्टेट पे, और फाइनल स्टेट पे जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जेड। तो लास्ट अपन ने देखा फाइनल स्टेट पे अपना जेड नॉट आ गया। अब इसी का मैं स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम आपको समझाता हूँ, आई होप आपको ईजिली समझ में आए। तो देखो
क्या हो गया, अभी अपन क्यू नॉट पे हैं, यहाँ पे अपन क्यू नॉट पे हैं। जैसे पहला ए आएगा तो अपन क्या हो गया, जैसे पहला ए अपन ए आया, अभी टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आपका जेड नॉट पड़ा है, तो टॉप ऑफ द स्टैक किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए जेड नॉट। अभी अपन ने देखा था टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या क्या, ए जेड नॉट। तो पहले एक बार ए आया, फिर एक बार और ए आएगा, तो पहले ए पड़ा है, तो एक बार और ए आया पर पहले ए पड़ा है, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ए ए से रिप्लेस हो जाएगा। उसी प्रकार ये पांच बार ए है, तो पहली स्टार्टिंग में ये ए जेड नॉट टॉप ऑफ द स्टैक था, तो ए जेड इनपुट हुआ, फिर ए आया और ए ऑलरेडी स्टैक में पड़ा था, तो ए ए से आपका रिप्लेस हो गया। फिर दो ए आ चुके, जैसे तीन ए आएंगे तो तीन ए ऐड हो जाएंगे, चार पाँच, इसी प्रकार पाँच ए इंसर्ट हो गए। फिर जैसे आपका बी आता है तो अपन किस स्टेक पे जा रहे हैं, क्यू वन पे जा रहे हैं। जैसे आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है, अभी अपने देखा था, मैंने आपको समझाया था, टॉप ऑफ द स्टैक पे भी आपका ए पड़ा है, जैसे ही बी आएगा तो उस ए को पॉप करके उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, नल वैल्यू से। तो अपन नल वैल्यू से रिप्लेस किया तो अपन कहाँ पहुँच गए, क्यू वन पे। अब क्यू वन पे अगर अपन है तो देखो अभी एक ही बी आया था, तो बी आया था अपन को ऑपरेशन चेंज करना था, यहाँ से पुश हो रहा था, ऑपरेशन चेंज करना था, इसलिए अपन ने इस स्टेट को चेंज कर दिया, तो क्यू वन पे आ गए। अब अपन ने पॉप किया ए को, एक ही भी आया, अब चार भी और आएंगे तो चार ए को पॉप करना पड़ेगा। उसके लिए अपन एक लूप चला लेंगे कि जब आपका कोई ए बी आता है, जब आपका कोई बी आता है और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा है, तो वो किससे रिप्लेस आएगा, नल से, जितने भी बी आएंगे। अब नंबर ऑफ ए यहाँ आ चुके हैं, नंबर ऑफ बी यहाँ आ चुके हैं, नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी टोटल इक्वल नंबर ही होंगे इस मशीन के अकॉर्डिंग। एट द एंड जब सारे ए और सारे बी आ जाएंगे तब क्या होगा, तब आपका क्या होगा, नल मूवमेंट होगा। नल मूवमेंट मतलब टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, मतलब स्टैक अब खाली है और कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो टॉप ऑफ द स्टैक ऑलरेडी किससे रिप्लेस हो जाएगा, जेड नॉट से, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू स्टैटिक सिंबल से ही रिप्लेस हो जाएगा। और अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, अपन पहुँच जाएंगे फाइनल स्टेट में। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर ग्रामर और दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इन टू द पुश डाउन ऑटोमेटा। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन बनाए, और स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन बनाया, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, नॉट अ फंक्शन, इट इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये डायग्राम है आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, कि अपन ने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना और स्टेट ट्रांजिशन क्या था आपके फंक्शन था। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एग्जाम्पल है, ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को अपन बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक्सप्रेशन है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है जो कि एक्सेप्ट कर रही है, और इसका अपन ने पुश डाउन ऑटोमेटा या मशीन बनाई है जो कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो ए की पावर एन बी की पावर एन है, इसको अपन फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मेमोरी नहीं होती है, जिसमें स्टेक होता है मेमोरी होती है, इसलिए इसको अपन एग्जीक्यूट कर पाते हैं इस मशीन के द्वारा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बोर्ड में कमेंट करिए। I am very happy to answer your question. Thank you.